हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे गेट लेक्चर नंबर 5 वेक्टर कैलकुलस में एग्जांपल ऑफ कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ओके, लास्ट लेक्चर में डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा था। आज डाइवर्जेंस और कर्ल के रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें ग्रेडियंट भी इंक्लूड हो जाए। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। फाइंड कर्ल ऑफ एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबो। तो आपको एक वेक्टर दिया है और इसका कर्ल फाइंड करना है। तो कर्ल कैसे फाइंड करेंगे? तो डेल क्रॉस एफ ऐसे हम लिखते हैं कर्ल को। फॉर्मूला क्या है? आई जे के, यहाँ पे होगा डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या होगा डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे होगा डेल बाय डेल जेड। चलो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर। आई के साथ है वो आई के नीचे लिखना है, जे के साथ है वो जे के नीचे लिखना है, के साथ है वो के नीचे लिखना है। चलो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ये आई हुआ, ये दोनों का डेल बाय डेल वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल जेड वाई स्क्वायर, ऐसा होगा माइनस जे, ये हुआ डेल बाय डेल एक्स। इसके बाद अगर आप आई के जो भी लिखते हो तो इसकी रो और कॉलम आपको हाइड कर देती पड़ती है, और जे की लिखते हो तो जे की रो और कॉलम हाइड कर दो। तो ये होगा डेल बाय डेल एक्स जेड स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर और प्लस के, ये की रो और कॉलम हाइड कर दो तो डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। चलो अब सिंप्लीफाई करें तो y विद रिस्पेक्ट टू y, ये जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होगा, ये भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि इसमें कोई y है, ओनली z नहीं है। चलो इसके बाद इसमें कोई x नहीं है तो जीरो होगा, इसमें कोई z नहीं है तो जीरो होगा, और लास्ट में ये विद रिस्पेक्ट टू x वाई स्क्वायर है तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा क्योंकि इसमें कोई y नहीं। आप सभी को पता है अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट करते हो वो वेरिएबल फंक्शन में होना चाहिए, अगर फंक्शन में नहीं है तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, जिसको हम जीरो बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऐसे हम कर्ल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अलग से फंक्शन दिया है तो अलग कोई आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, ओके क्वेश्चन 2 क्या है? तो f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस 3x² y वेक्टर दिया है एक्स वाई जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे, एक्स वाई जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर सॉरी 3x² y जे 3x² y जे 3x² y जे, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x² y जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ओके,
ऐसा वेक्टर दिया है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के, एंड फाइंड करना है एट पॉइंट वन माइनस वन वन। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पे ये जो वेक्टर है इसका क्या फाइंड करना है, कर्ल फाइंड करना है। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन वन है 2i प्लस 2j माइनस 7k, ऑप्शन बी है 2i माइनस 2j प्लस 7k, ऑप्शन सी है 2i माइनस 2j माइनस 7k, एंड ऑप्शन डी है 2i प्लस 2j प्लस 7k। ऐसा चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें फाइंड करना है कर्ल। तो जो भी हमारी मेथड है वो हम मेथड से फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डेल क्रॉस एफ लिखूंगा, यहां पे होगा आई, यहां पे होगा जे, यहां पे होगा के। यहां पे लिखूंगा मैं डेल बाय डेल एक्स, यहां पे होगा डेल बाय डेल वाई, और यहां पे होगा डेल बाय डेल जेड। चलो आई के साथ है एक्स वाई जेड तो मैं यहां पे एक्स वाई जेड लिखूंगा, जे के साथ है थ्री एक्स स्क्वायर वाई तो यहां पे लिखूंगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और के साथ है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ओके, तो इसका अब डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है। तो जो भी हमारी मेथड है वो हम ऐसे फाइंड कर देंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं आई, चलो यहां पे डेल बाय डेल वाई, और ये वाला टर्म होगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, बीच में माइनस होगा, डेल बाय डेल जेड होगा, और ये वाला टर्म होगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई। ये हुआ आई के साथ, चलो बीच में माइनस होगा माइनस जे, अब होगा डेल बाय डेल एक्स, और ये वाला टर्म एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस डेल बाय डेल जेड होगा एक्स वाई जेड, प्लस के होगा, और के लिखता हो तो के की रो और कॉलम हम हाइड कर देंगे, डेल बाय डेल एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स वाई जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर कोई भी एक ऑप्शन में से मिल जाएगा। तो चलो मैं इसका सिंप्लीफाई करता हूं। तो सबसे पहले ये हमारा आई है, चलो इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये जीरो होगा, ये माइनस होगा तो माइनस टू वाई जेड, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो जीरो होगा, हो गया। चलो इसके बाद ये वाला एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड स्क्वायर होगा, और इसमें कोई एक्स नहीं है तो जीरो होगा। इसके बाद इसमें विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो एक्स वाई होगा, जेड का वन हो जाएगा और एक्स वाई बचेंगे। चलो प्लस के, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री सिक्स एक्स वाई होगा, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स जेड होगा। नाउ पुट द पॉइंट वन माइनस वन वन इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड, माइनस टू ये माइनस वन और ये प्लस वन, जीरो नहीं लिखता हूं मैं, माइनस जे, जेड स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर माइनस वन इंटू वन, ऐसा होगा। ओके, एक्स इंटू वाई है तो ये माइनस वन होगा। ओके चलो, ये सिक्स वन माइनस वन माइनस वन इंटू वन, ऐसा होगा। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हुआ टू आई हमारा, चलो ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस वन तो टू जे होगा, ये प्लस टू हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन होगा, प्लस वन प्लस टू होगा, आगे माइनस है तो माइनस थ्री। चलो ये माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन होगा, तो हमारा फाइनल आंसर सही क्या होगा, टू आई माइनस टू जे माइनस सेवन के। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी।
ओके चलो अब नेक्स्ट एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कांस्टेंट वेक्टर होता है इसका कर्ल ऑलवेजली जीरो होता है। ये हमारा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, कर्ल ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज जीरो। ये इंपोर्टेंट बात है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज कर्ल ऑफ कांस्टेंट वेक्टर, तो ऑलवेजली जो भी कांस्टेंट वेक्टर होगा इसका कर्ल ऑलवेजली जीरो होगा। चलो हम प्रूव करते हैं। मान लो कि हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर ए है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और मान लो कि ये जो कांस्टेंट वेक्टर है इसके पोजीशन वेक्टर में ले लेता हूं r xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मुझे कर्ल फाइंड करना है ऑफ कांस्टेंट वेक्टर मींस ए क्रॉस आर। किसके पोजीशन के साथ लिया है मैंने, तो ए क्रॉस आर में फर्स्ट फाइंड करूंगा और इसके बाद इसका कर्ल फाइंड करूंगा। ओके, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर मुझे पहला फाइंड करना पड़ेगा। तो ए जो है वेक्टर ए जिसमें a1, a2 और a3 है वो कांस्टेंट है हमारा, और r है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले मैं a क्रॉस r फाइंड कर लूंगा और इसके बाद इसका कर्ल का आंसर जीरो होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस r कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा i, j और k हुआ, ये a मीन्स a1, a2 और a3 होगा, और ये होगा x, y, z। इसके बाद i तो a टू z माइनस a थ्री y होगा माइनस j। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ f। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वेक्टर f डायरेक्टली नहीं दिया है, सबसे पहले आपको वेक्टर f फाइंड करना पड़ेगा। क्या लिखा है, वेक्टर f इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैं इसका ग्रेडियंट करूंगा तब मुझे f मिलेगा, और इसके बाद हम डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करेंगे, और इसका रिस्पेक्टिवली ऑप्शन दिया है, ये डाइवर्जेंस है और ये कर्ल है, डाइवर्जेंस कर्ल। तो जो सही ऑप्शन है वो हम चॉइस करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, वो हमारा है f। f मींस ग्रेडियंट ऑफ दिस, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, i डेल बाय डेल x, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस j विथ रिस्पेक्ट टू y। और प्लस के विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये मिलेगा मुझे ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, जिसको हम बोलते हैं एफ। चलो सॉल्व करते हैं, तो एफ का आंसर मुझे मिलेगा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूं तो क्या मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड, ऐसा मिलेगा क्योंकि इसका थ्री एक्स क्यूब होगा, ये जीरो ये जीरो, इसमें से एक्स कट हो जाएगा तो एक्स वाई जेड, एक्स कट होगा तो वाई जेड होगा। चलो इसके बाद प्लस जे, इसका होगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड, और सिमिलरली के साथ क्या होगा, तो थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, ये हुआ हमारा एफ। तो सबसे पहले आपको एफ फाइंड करना पड़ेगा, एफ मीन्स क्या है, तो जो भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड है इसका ग्रेडियंट। चलो अब हम डाइवर्जेंस फाइंड कर देते हैं, तो डाइवर्जेंस क्या लिखते हैं हम, डेल एफ इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स एफ वन, ये हमारा एफ वन होगा आई के साथ जो है वो,
पिछले जो भी लेक्चर था इसमें हमने डाइवर्जेंस के बारे में आपको बताया था। डेल वाई यहाँ पे एफ टू होगा, एफ टू मीन्स थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड और प्लस डेल बाय डेल जेड एफ थ्री मीन्स थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई ऐसा होगा। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो सिक्स एक्स होगा, इसका सिक्स वाई और इसका होगा सिक्स जेड। अगर मैं सिक्स कॉमन लू तो हमारा आंसर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आंसर तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। और कर्व देखते हैं, अब क्या कर्व क्या होता है। तो कर्व फाइंड करने के लिए आपको डेल क्रॉस एफ फाइंड करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा आई, ये हुआ जे और ये हुआ के। यहाँ पे लिखूंगा मैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जे। चलो यहाँ पे एफ वन होगा, एफ वन मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड। यहाँ पे होगा एफ टू थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड और यहाँ पे होगा एफ थ्री थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई। और इसका मुझे डिटर्मिनेंट अब फाइंड करना है। चलो तो जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है वो मैं नीचे लिखता हूं। चलो i के साथ ये होगा डेल बाय डेल वाई थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, इसके साथ ये होगा और डेल बाय डेल जेड के साथ ये होगा डेल बाय डेल जेड थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड ऐसा होगा। चलो ये i का टोटली हो गया। चलो इसके बाद माइनस जे, चलो माइनस जे तो डेल बाय डेल एक्स के साथ ये होगा थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई और डेल बाय डेल जेड के साथ होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड ऐसा होगा। चलो प्लस के ले लेते हैं, तो प्लस के डेल बाय डेल एक्स के साथ ये होगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड माइनस डेल बाय डेल वाई के साथ होगा ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई जेड। चलो आप डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो सबसे पहले i के साथ जो है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो ये माइनस थ्री एक्स होगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस थ्री एक्स होगा। तो ऐसा होगा i के साथ होगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस जे। चलो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x है तो माइनस थ्री वाई होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा प्लस थ्री वाई होगा और प्लस के ये होगा माइनस थ्री जेड और इसके बाद होगा प्लस थ्री जेड। तो इसका पूरा आंसर जीरो होगा क्योंकि ये जीरो होगा, ये जीरो और जीरो, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। तो कल हमारा जीरो हुआ, डाइवर्जेंस हुआ सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो हमारा आंसर है वो सही है, हमारा डाइवर्जेंस होगा सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और हमारा कल होगा जीरो। ओके, तो अगर आपको पर्टिकुलरली पॉइंट दिया है तो पॉइंट पुट कर देना है, अगर पॉइंट नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना है। ओके, तो ऐसे हम डाइवर्जेंस और कर्व के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली होगा लेकिन आपको पर्टिकुलरली एक पॉइंट दिया होगा, तो ये जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट आपको डाइवर्जेंस या कर्व है, इसमें इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड जो भी आपको दिया है पॉइंट वो पॉइंट आपको पुट करना है और इसके बाद जो भी आंसर मैच होता है वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों साथ में ले रहे हैं डाइवर्जेंस और कर्व। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स जेड क्यूब आई माइनस टू एक्स वाई जे, एफ इज इक्वल टू है एक्स जेड क्यूब आई माइनस टू एक्स वाई जे।
माइनस टू एक्स वाई जे प्लस एक्स जेड के फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल एट 120। आपको पर्टिकुलरली पॉइंट दिया है 120। ओके नाउ हमारा ऑप्शन ए है 1 and 4 के, ऑप्शन बी है -1 -4 के, ऑप्शन सी है 1 -4 के और ऑप्शन डी है -1 and 4 के। चलो कंफ्यूजन है सब। तो सबसे पहले हमारे पास एफ डायरेक्टली दिया है, पॉइंट क्या है 120 है। तो पिछले एग्जांपल में आपको पॉइंट नहीं दिया था और दूसरी बात को आपको एफ नहीं दिया था, एफ आपको फाइंड करना था, ग्रेडियंट दिया था और ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा एफ होता है, वो हमें दिया था क्वेश्चन में। चलो तो अब डाइवर्जेंस फाइंड करना है, तो डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो ये हमारा F1 होगा, ये F2 होगा और F3 होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल F1 बाय डेल X, डेल F2 बाय डेल Y एंड डेल F3 बाय डेल Z। चलो डेल बाय डेल X यहाँ पे होगा XZ³ प्लस डेल बाय डेल Y यहाँ पे होगा -2XY और डेल बाय डेल Z यहाँ पे होगा XZ, ऐसा होगा। डिफ्रेंसिएशन करूं तो सबसे पहले होगा Z³, इसके बाद होगा -2X और इसके बाद होगा X। अब पॉइंट पुट करूं तो ये 0 का क्यूब हुआ 2, इसमें X मींस 1 प्लस 1 तो ये -1 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस हमारा -1 है, तो ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी गलत है और बी और सी डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो इसके लिए हमें कर्ल फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो डाइवर्जेंस क्या हुआ आपका, डाइवर्जेंस हुआ -1। चलो अब मैं कर्ल फाइंड कर देता हूं, तो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, यहाँ पे F1 मीन्स XZ³ होगा, यहाँ पे F2 मीन्स -2XY होगा और लास्ट में होगा XZ। ओके चलो अब तो डेल बाय डेल वाई यहाँ पे होगा XZ माइनस डेल बाय डेल जेड -2XY। चलो बीच माइनस जे लेते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स डिटर्मिनेंट आप सभी को पता है कैसे फाइंड करना है, अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं समझ है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। चलो प्लस के डेल बाय डेल एक्स -2XY माइनस डेल बाय डेल वाई XZ³। चलो तो सबसे पहले इसमें कोई वाई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा और इसमें कोई जेड नहीं है तो ये भी 0 होगा, तो 0 ही हुआ। चलो इसमें देखते हैं, इसमें एक्स है तो जेड होगा और इसमें जेड है तो -3XZ² ऐसा होगा। चलो प्लस के इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो -2Y होगा और इसका विथ रिस्पेक्ट टू तो 0 होगा क्योंकि वाई नहीं। चलो अब मैं पुट करूं पॉइंट, तो ये तो 0 आई हो गया। ओके इसमें पॉइंट पुट करो तो -j है, जेड के बदले 0 है और ये एक्स के बदले 1 है और जेड के बदले 0 है तो ये भी 0 हो गया। चलो इसमें पुट करो तो -2 वाई के बदले 2 है। ओके तो क्या हुआ, 0i प्लस 0j -4k, तो इसके बदले हम -4k लिख सकते हैं। तो -4k वाला जो भी आंसर है ए और सी तो गलत था, तो -1 और -4k ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके चलो इसके बाद देखते हैं, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कर्ल डाइवर्जेंस
अलग अलग वेक्टर देंगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कर्ल ऑफ ए, पर्टिकुलरली आपको वेक्टर दिया है। वेक्टर है ई रेस टू एक्स वाई जेड आई प्लस जे प्लस के, इसका मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स वाई जेड सभी के साथ गुणांक में है। एट द पॉइंट 1, 2, 3 एट द पॉइंट 1, 2, 3 पॉइंट पे आपको इसका कर्ल फाइंड करना है। ऑप्शन ए है ई रेस टू 6 आई प्लस 4j प्लस 3k, ये हमारा ऑप्शन ए है। इसके बाद ऑप्शन बी है ई रेस टू 6 आई माइनस 4j माइनस 3k, ऑप्शन सी है ई रेस टू 6 माइनस आई माइनस 4j माइनस 3k सॉरी प्लस 3k, और ऑप्शन डी है ई रेस टू 6 आई माइनस 4j प्लस 3k। सारे चार ऑप्शन जो दिया है आपको, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आपको कर्ल फाइंड करना पड़ेगा। तो कर्ल फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ई रेस टू एक्स वाई जेड है, वो ई रेस टू एक्स वाई जेड हम सबसे पहले आई जे और के के साथ गुणांक में कर देंगे। तो हम सबसे पहले ए जो वेक्टर दिया है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स वाई जेड आई प्लस ई रेस टू एक्स वाई जेड जे प्लस ई रेस टू एक्स वाई जेड के, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा ए वन ए टू और ए थ्री। अब तो मुझे फाइंड करना है कर्ल ऑफ ए, तो ये होगा आई जे के, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, ये हुआ ई रेस टू एक्स वाई जेड ई रेस टू एक्स वाई जेड ई रेस टू एक्स वाई जेड, ऐसा होगा। चलो अब आगे, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो ये आई हुआ डेल वाई ई रेस टू एक्स वाई जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ई रेस टू एक्स वाई जेड, बीच में माइनस जे डेल बाय डेल एक्स ई रेस टू एक्स वाई जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ई रेस टू एक्स वाई जेड, ये हुआ जे वन, और लास्ट में के है डेल बाय डेल एक्स ई रेस टू एक्स वाई जेड माइनस डेल बाय डेल वाई ई रेस टू एक्स वाई जेड, ऐसा होगा। चलो अब तो डिटर्मिनेंट करो, डिटर्मिनेंट किया, अब डिफ्रेंसिएशन करके पॉइंट 1, 2, 3 पुट करना है। चलो वन बाय वन लिखते हैं। ये जो है वो हम कंपोजिट फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो फंक्शन है वो एज इट इज ई रेस टू एक्स वाई जेड, और साथ में एक्स जेड होगा वाई का वन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा ई रेस टू एक्स वाई जेड, और साथ में जेड है तो वाई एक्स वाई होगा। चलो सिमिलरली जे के साथ इसका होगा ई रेस टू एक्स वाई जेड साथ में होगा वाई जेड माइनस इसका होगा ई रेस टू एक्स वाई जेड साथ में होगा एक्स वाई, ओके। चलो प्लस के इसका होगा ई रेस टू एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड माइनस ई रेस टू एक्स वाई जेड इंटू होगा एक्स जेड, ऐसा होगा। चलो पॉइंट पुट करू मैं 1, 2, 3, तो ये हुआ ई रेस टू 6 1, 2, 3 मीन्स ये हुआ 3।
चलो ए बी इज टू सिक्स हुआ और एक्स वाई मीन्स वन इंटू टू टू होगा। चलो माइनस जे यहाँ पे होगा ई रेस टू सिक्स, वन इंटू जेड टू इंटू थ्री सिक्स होगा, ये होगा ई रेस टू सिक्स, एक्स इंटू वाई मीन्स वन इंटू टू टू होगा। चलो प्लस के ये होगा ई रेस टू सिक्स वाई जेड मीन्स सिक्स, ई रेस टू सिक्स एक्स जेड मीन्स थ्री होगा वन इंटू। चलो अब तो ये थ्री ई रेस टू सिक्स पावर है और माइनस टू ई रेस टू सिक्स, तो ई रेस टू सिक्स बचेंगे। चलो सिमिलरली यहाँ पे माइनस जे है, ये सिक्स ई रेस टू सिक्स माइनस टू ई रेस टू सिक्स, तो फोर ई रेस टू सिक्स होगा। प्लस के यहाँ पे होगा सिक्स माइनस थ्री, तो थ्री ई रेस टू सिक्स होगा। ई रेस टू सिक्स कॉमन है, अंदर बचेंगे आई माइनस फोर जे प्लस थ्री के, तो हमारा सही आंसर होगा ई रेस टू सिक्स आई माइनस फोर जे प्लस थ्री के, तो ऑप्शन डी सही आंसर है आई माइनस फोर जे प्लस थ्री के। देखो सब में ई रेस टू सिक्स कॉमन है, ई रेस टू सिक्स सब में कॉमन है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। अगर आप आंसर सही लाते हो तो जब आंसर पुट करो तो आंसर पुट करो तो इसमें आपको मस्ट भी आपको देखना पड़ेगा सही आंसर क्या है वो। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वेक्टर दिया है और वेक्टर का कर्ल फाइंड करना है और इसका फिर से कर्ल फाइंड करना है, मींस आपको टू टाइम्स कर्ल फाइंड करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आपको एक पॉइंट दिया है, चलो तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल का भी कल फाइंड करना है तो अगर आपको कल पता है तो भी आप आगे जा सकते हो। आपको कल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है वो पता नहीं है, ग्रेडियंट क्या है वो पता नहीं है, तो आपको नहीं समझ होगा। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड कल ऑफ ए, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड कर्ल ऑफ ए, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए। सबसे पहले एक कर्ल फाइंड करो, इसका जो भी आंसर हो इसका फट से ए। और आपको जो वेक्टर ए है वो दिया है, पॉइंट भी दिया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस टू एक्स जेड जे प्लस टू वाई जेड के, प्लस टू वाई जेड के एट द पॉइंट वन जीरो टू। ये जो पॉइंट है वन जीरो टू, ये पॉइंट पे आपको कर्ल ऑफ कर्ल ए फाइंड करना है और आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है माइनस फोर जे प्लस फोर के, ऑप्शन बी है फोर जे प्लस जीरो के, ऑप्शन सी है जीरो आई माइनस फोर जे प्लस फोर के, ऑप्शन डी है फोर आई प्लस फोर जे, ऐसा ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले मैं कर्ल ऑफ ए फाइंड करूंगा और इसके बाद फिर से इसका कर्ल फाइंड करूंगा, तो देखते हैं। सबसे पहले जो आपको वेक्टर दिया है, इसका हम कर्ल फाइंड कर देते हैं, ये जो वेक्टर है इसका। तो कर्ल ऑफ ए सबसे पहले मैं फाइंड कर देता हूं आई जे के, डेल बाय डेल एक्स होगा, ये होगा डेल बाय डेल वाई और ये होगा डेल बाय डेल जे, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे होगा माइनस टू एक्स जेड, यहाँ पे होगा टू वाई जेड।
चलो अब मुझे इसका फाइंड करना है कर्व, तो ये हुआ आई डेल बाय टू वाई जेड माइनस डेल जेड माइनस टू एक्स जेड, चलो माइनस जे डेल एक्स टू वाई जेड माइनस डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस के डेल एक्स माइनस टू एक्स जेड माइनस डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये हुआ हमारा कल। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसमें होगा 2z और इसमें होगा 2x, लेकिन प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका जो भी आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। चलो i के साथ क्या होगा, तो 2z प्लस 2x होगा, क्योंकि y का 1 होगा तो 2z होगा और z का 1 होगा तो माइनस 2x है, बाहर माइनस है तो हम प्लस लिख सकते हैं, तो 2z प्लस 2x होगा। आई चलो j में लिखते हैं माइनस j, चलो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x तो कोई x नहीं है तो 0 है, और इसमें कोई z नहीं तो इसका भी 0 है, तो 0j हो सकता है, और लास्ट में प्लस k। चलो तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x तो माइनस 2z हुआ माइनस 2z, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू y तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये जो है वो हमारा हुआ कर्व ऑफ a। चलो अब इसका फिर से कर्व फाइंड करना है मुझे, फिर से फाइंड करना है, तो ये हुआ हमारा डेल क्रॉस a, तो फिर से हम फाइंड करेंगे डेल क्रॉस a कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे होगा आई जे के, यहाँ पे होगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये है हमारा डेल क्रॉस ए 1 है तो यहाँ पे होगा 2z प्लस 2x, ये तो 0 है तो 0 लिख देते हो, और ये होगा माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो भी आंसर होगा इसमें पॉइंट पुट कर देंगे 102, तो वो हमारा आंसर होगा फाइनल आंसर। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं आई का लिखता हूं, यहाँ पे होगा डेल वाई माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर, डेल जेड 0 होगा, चलो माइनस जे यहाँ पे लिखता हूं डेल एक्स माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर डेल जेड 2z प्लस 2x, 2z प्लस 2x है, फिर से ले लेता हूं या नीचे लिखता हूं, चलो डेल एक्स माइनस 2z माइनस एक्स स्क्वायर डेल जेड 2z प्लस 2x, और प्लस के डेल एक्स 0 माइनस डेल वाई 2z प्लस 2x। चलो अब तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा क्योंकि इसमें कोई y नहीं है, तो ये 0 हुआ और ये भी 0। चलो माइनस j इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2x होगा, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड माइनस 2 होगा क्योंकि ये बार माइनस है। चलो इसके बाद देखते हैं, तो k इसका 0 होगा और इसमें कोई y नहीं है तो इसका भी 0 होगा, तो क्या हुआ हमारा 0i माइनस, बीच में प्ले ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 2j प्लस 0k, अगर x के बदले में 1 पुट करो तो 4j होगा, 0i प्लस 4j प्लस 0k, तो 0i प्लस 4j 0i प्लस 4j प्लस 0k, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसमें i का जो भी 0i है वो दिया नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो 0i प्लस 4j प्लस 0k, तो ये हमारा राइट आंसर है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। चलो अब तो दूसरी बात है, जैसे हमने सॉलेनॉइड में आपको कोई वेक्टर दिया है और ये जो वेक्टर फील्ड है वो सॉलेनॉइड है तो आप कांस्टेंट फाइंड करते थे, वैसे क्वेश्चन कल में भी बन सकते हैं, तो ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको कांस्टेंट फाइंड करना है और
आपका जो भी फंक्शन है, जो भी वेक्टर फील्ड है वो इरोटेशनल दिया है। इरोटेशनल का मतलब क्या है, आपका कर्ल है वो जीरो होता है, इसका मतलब होता है इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। चलो तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के बन सकते हैं आपके गेट की एग्जाम में, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसमें से पूछ सकते इसमें से नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके गेट के सिलेबस में ये टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो रेगुलरली जो मैथ्स है इसमें भी इम्पोर्टेंट है और गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आपको जो वेक्टर दिया है वो वेक्टर है इरोटेशनल वेक्टर फील्ड और जो वेक्टर है इसका इक्वेशन यहां पे लिखता हूं एफ इज इक्वल टू, आपको एफ दिया है मैं यहां पे लिख देता हूं ओके चलो जो आई के साथ है वो है एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड, एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड, ये जो ए है मुझे फाइंड करना है। जे के साथ है बी एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, बी एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, ये है हमारा जे के साथ। और के साथ है माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड, माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड, मुझे फाइंड करना है ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये जो वेक्टर है वो इरोटेशनल है, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड का मतलब क्या है कि आपका जो भी वेक्टर फील्ड हो उसका कर्ल जीरो होगा, इसको बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है तो सबसे पहले मैं, चलो आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, तो ऑप्शन ए बी और सी का दे देता हूं रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ऑप्शन ए है वन माइनस वन वन, ऑप्शन बी है माइनस वन वन माइनस वन, ऑप्शन सी है वन माइनस वन माइनस वन एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ अबो। ये हमें रिस्पेक्टिवली वैल्यू है ए बी और सी, ए बी से यस। चलो तो सबसे पहले मैं कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो क्या है, इरोटेशनल। चलो फाइंड करेंगे आई जे और के, कर्ल इज इक्वल टू जीरो लिख देता हूं। यहां पे होगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, ये होगा डेल बाय डेल जे। डेल बाय डेल एक्स क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड। डेल बाय डेल वाई क्या होगा, तो बी एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड। और डेल बाय डेल जेड क्या होगा, माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड, ऐसा होगा। इज इक्वल टू क्या है, जीरो, इज इक्वल टू जीरो। चलो अब तो इस जीरो को आप जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो आई के साथ डेल बाय डेल एक्स, सॉरी डेल बाय डेल वाई माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड, माइनस डेल बाय डेल जेड बी एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, ऐसे लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं आगे, माइनस जे, जे है तो आप लिख सकते हो डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड माइनस डेल बाय डेल जेड
एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड ओके प्लस के ये हुआ डेल बाय डेल एक्स बी एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड माइनस डेल बाय डेल जेड सॉरी डेल बाय डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड चलो इज इक्वल टू क्या है जीरो। तो इसका सिंप्लीफाई करूं अगर मैं तो आई ये होगा सी क्योंकि ए में कोई वाई नहीं है और इसमें माइनस वन होगा तो सी और ये माइनस जीरो जीरो माइनस वन तो सी माइनस वन होगा। चलो माइनस जे इसमें एक्स है माइनस वन होगा और इसमें जेड है ए होगा तो माइनस वन प्लस ए ऐसा होगा। चलो के साथ यहाँ पे बी होगा और ये होगा वाई है तो प्लस वन होगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। चलो आप कंपेयर करें तो सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। चलो इसमें माइनस माइनस वन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं और लास्ट में बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो सी का आंसर हुआ वन। इसमें अगर मैं माइनस मल्टीप्लीकेशन करूं तो वन और माइनस ए होगा वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो तो ए इज इक्वल टू ऑल्सो वन होगा और बी इज इक्वल टू होगा माइनस वन तो ए इज इक्वल टू वन हुआ बी इज इक्वल टू माइनस वन और सी इज इक्वल टू वन। वन माइनस वन वन हमारा सही आंसर है वन माइनस वन वन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर वन माइनस वन वन। एक बार और देख लो कहीं गलत ना हो कोई भी मिस्टेक ना हो आप देख लो। ओके चलो मिस्टेक क्या है इसमें तो मिस्टेक है हमारी ये माइनस वन है और बार माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन होगा ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक क्या है प्लस ए है बार माइनस है तो ये क्या होगा हमारा माइनस ए होगा ओके। और लास्ट मिस्टेक ये बी है और ये वाई का वन होगा बार माइनस है तो बार ये माइनस लिखेंगे तो ऑल इसमें जो भी साइन है बीच में वो माइनस प्लस और माइनस ये हमारी बिग मिस्टेक थी। आप जब भी कैलकुलेट करो तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माइनस है और बार माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा फिर से यहाँ पे ये प्लस है बार माइनस है तो वो माइनस होगा और सिमिलरली यहाँ पे वन बार माइनस होगा। तो आपका आंसर क्या होता है तो आपका आंसर होता है सी इज इक्वल टू माइनस वन ये प्लस वन प्लस वन ए इज इक्वल टू माइनस वन होगा और बी इज इक्वल टू हमारा प्लस वन होगा तो हमारा आंसर होगा माइनस वन वन माइनस वन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। अगर आपने ये मिस्टेक की तो जो गलत आंसर है वो ऑप्शन में दिया होगा तो ऑप्शन ए लिख के आप आओगे और गलत होगा। तो ऐसे हम मिस्टेक कर सकते हैं मैंने बताया आपको कैसे मिस्टेक होती है तो आप ये जो बात है वो आपको याद रखनी पड़ेगी पर जब भी आप सॉल्व करो तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो तो सिमिलरली और भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें ऐसे हम कॉन्स्टेंट फाइंड करेंगे ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो ही कॉन्स्टेंट दिया है ए और बी जिसमें तीन कॉन्स्टेंट था तो कैसे मिस्टेक हुई वो आपने देखी तो आपको ये पॉइंट है वो आपको नोट करके रखो और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मस्ट बी। अगर आपको ई रोटेशनल क्या है वो पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा ओके। आपको अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप आंसर के क्वेश्चन में पूछ सके ऐसा तो आपका दो मार्क्स गया तो दो मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है वो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी का भी आंसर आपको ऑप्शन में दिया होगा ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन कॉन्स्टेंट ए एंड बी सच दैट
डिटरमाइन कॉन्स्टेंट ए एंड बी सच दैट, इसमें आपको जस्ट ए एंड बी फाइंड करना है और आपको वेक्टर दिया है सच दैट कर्ल ऑफ, एक आपको वेक्टर दिया है 2xy plus 3yz i प्लस आगे है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर जे ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर और लास्ट में 3xy plus 2byz, 3xy plus 2byz के इज जीरो, इसका कर्ल जीरो है, मींस ए जो वेक्टर है इसका कर्ल जीरो है, तो इसमें जो भी कांस्टेंट ए और बी है, ये हमारा ए और ये हमारा बी, इसको हमें फाइंड करना है, इसका कर्ल है जीरो। तो क्वेश्चन देख लो आप, 2xy plus 3yz, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर और 3xy plus 2byz, ये हमारा ऑप्शन सॉरी वेक्टर है। चलो ऑप्शन में दे देता हूं, ए और बी का रिस्पेक्टिवली ऑप्शन है -3 4 3 -4 3 4 -3 -4। चलो तो ये हमारा चार ऑप्शन है रिस्पेक्टिवली ए एंड बी की वैल्यू। तो ये जो है हमारा वेक्टर, इसका कर्ल जीरो है, तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट मीन्स कर्ल इज इक्वल टू जीरो लिखूंगा और फाइंड करूंगा। चलो तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ये हमारा एफ है, तो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि ये जो वेक्टर में जो भी गुणांक है वो बी है, इसलिए मैंने आपको इतनी स्पेस दी है। ये डेल बाय डेल एक्स है और ये डेल बाय डेल वाई है और ये है डेल बाय डेल जेड। चलो आई के साथ जो है 2xy plus 3yz, जे के साथ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर और के साथ है 3xy plus 2byz इज इक्वल टू जीरो। अब तो इसका जो भी डिफ्रेंसिएशन होगा वो हम सॉल्व करेंगे। चलो तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले या फिर आई लिखता हूं डेल बाय डेल एक्स, आई है तो डेल बाय डेल वाई होगा, ये होगा टोटली 3xy plus 2byz माइनस जे सॉरी डेल बाय डेल जेड होगा और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर। चलो अब माइनस जे होगा, माइनस जे है तो डेल बाय डेल एक्स के साथ ये होगा 3xy plus और डेल बाय डेल जेड के साथ होगा 2xy plus 3yz। चलो अब के बात की, तो प्लस के डेल बाय डेल एक्स इसके साथ ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड प्लस माइनस 4z स्क्वायर और डेल बाय डेल वाई के साथ होगा 2xy plus 3yz। चलो अब
तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके नीचे लिखता हूं क्या होता है, तो आई के साथ क्या होगा, तो इसका होगा 3x, इसका होगा 2bz। चलो बाहर माइनस है तो इसका ax है लेकिन माइनस होगा, जो पिछले एग्जांपल में मिस्टेक की थी वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। चलो माइनस 8z, तो ये i का टोटली पूरा होगा। चलो सिमिलरली j में देखते हैं, इसमें होगा 3y क्योंकि x का 1 होगा, इसमें x नहीं है तो 0 होगा, इसमें z नहीं है तो 0, इसमें z है 3y लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 3y, तो 3y माइनस 3y हुआ। j में क्या हुआ, 3y माइनस 3y। चलो सिमिलरली k में लिखते हैं, तो प्लस k इज इक्वल टू 0 लिखना मैंने, ओके। चलो k मा इसमें x है तो 2x प्लस az, 2x प्लस az, इसमें y है तो 2x माइनस होगा क्योंकि बार माइनस है, और इसका 3z तो माइनस 3z इज इक्वल टू 0। चलो तो डिफरेंशिएशन किया, अब तो j के साथ 3y माइनस 3y है तो वो तो 0 हो जाएगा, और लास्ट में ये जो 2x 2x है वो कैंसिल आउट होगा, ये जो 2x है वो 2x कैंसिल आउट होगा। तो इसमें से देखो आप, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो मैं 3 माइनस ax ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 2b माइनस 8z ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हुआ 0j। और लास्ट में क्या होगा, तो इसमें होगा 3 प्लस a माइनस 3z, a माइनस 3z इज इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो सारे पॉइंट है इसमें से हमें 2 इक्वेशन मिलता है, कौन से 2 इक्वेशन, a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वह ब्लू पिट से लगता हूं, 3 माइनस ए एक्स प्लस 2b माइनस 8z इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0, और इसके बाद a माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये z 0 के नीचे जाएगा और 0 बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 3, a इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा हमें 3। अगर a इक्वल टू 3 आंसर में ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो तो 3 माइनस 3 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हुआ, तो क्या बचेंगे, 2b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 8 बाय 2, तो 4, तो 3 4 वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी है। फिर से एक बार देख लो, 2b माइनस 8 है और 2b माइनस 8 है या प्लस 8 है देख लो, प्लस 8 होगा, जो फिर से मैंने मिस्टेक की, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है प्लस होगा भाई, और 2b प्लस 8 होगा तो 2b प्लस 8 है, यहाँ पे प्लस होगा ये माइनस होगा, तो माइनस 4 आंसर होना चाहिए। फिर से सिमिलरली वो मिस्टेक की देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मस्ट बी 99% स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते, ए माइनस और ए माइनस प्लस होगा तो प्लस 8z होगा, मैंने माइनस लिखा, ओके। तो माइनस 4 मीन्स 3 माइनस 4 हमारा सही आंसर है। अगर आपने एक मिस्टेक की तो वो भी आंसर आपको दिया होगा, तो आप फास्ट फास्ट में वो गलत आंसर लिख के आ जाएंगे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है, 3 माइनस 4 वो हमारा सही आंसर, 3 माइनस 4 इज अ राइट आंसर। तो ऐसे अगर आपको कर दिया है और आपको फाइंड करना है, कोई कांस्टेंट फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हो, ओके। चलो दूसरी बात, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई आपको फंक्शन दिया है और इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, फाइ इज इक्वल टू दिया है, ये हमारा ग्रेडियंट और कर्व का एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल बन सकते हैं, आपको
डिटरमिनेंट पता होना चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो पता होना चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे एग्जाम। लास्ट दो एग्जाम्पल में हमने जो भी मिस्टेक की वो आप देख लेना कि क्या मिस्टेक हो सकती है, मैंने आपको बताया, और जो मिस्टेक हुई वो आपको गलत ऑप्शन होगा वो भी आपको दिया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स दिया है और इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना है। जस्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता हूं, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। इफ फाइ इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, जस्ट वाई बाय एक्स, इसमें कोई जेड नहीं, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइ, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइ, तो सबसे पहले मुझे ये जो फाइ है इसका ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट डेल फाइ इज इक्वल टू डेल फाइ बाय डेल एक्स, आई डेल फाइ बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाइ बाय डेल वाई, ऐसा होगा। चलो तो सबसे पहले मैं डेल फाइ बाय डेल एक्स फाइंड करता हूं, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर, फिर से वाई बाय एक्स का क्या होगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है, तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएंगे, और ये माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो अब देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है, तो डेल फाइ बाय डेल वाई इज इक्वल टू वन अपन वन प्लस y बाय एक्स होल स्क्वायर, और y बाय एक्स का क्या होगा, वन बाय एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बाय एक्स, एक एक्स कट हो जाएगा, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो यहाँ पे कोट करता हूं, तो i डेल फाइ बाय डेल एक्स क्या हुआ, माइनस y अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो, और डेल फाइ बाय डेल वाई क्या है, तो j, ये हुआ x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो तो ये हुआ हमारा ग्रेडियंट, अब मुझे क्या करना है, ये जो ग्रेडियंट हुआ इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना है, तो ये हमारा हुआ, मान लो कि ये हमारा f मिला, इसको हम f बोलते, तो ये हमारा f1 हुआ और ये हमारा f2 हुआ, तो अगर आपको डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाइ फाइंड करना है, तो डेल बाय डेल एक्स इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो सकता है, माइनस वाई में कॉमन ले लेता हूं, वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स। सिमिलरली एक्स कॉमन ले लेता हूं, इसका क्या होगा, माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, आप डिवाइडेशन रूल से भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हुआ हमारा टू एक्स वाई, ये क्या हुआ, टू एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हुआ जीरो। तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ऐसे जो भी आपको ये स्केलर फील्ड है वो ऐसे देंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड हो, ये कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन है, मैंने स्टूडेंट है वो ये जो कॉम्पोजाइट फंक्शन है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का, टेन इनवर्स का कर देते हैं लेकिन वाई बाय एक्स का वो नहीं कर सकते है, तो फास्ट फास्ट में मिस्टेक हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बताई। चलो अब ये जो हमारा कर्व और डाइवर्जेंस का लेक्चर था इसमें इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वेक्टर कैलकुलस में, अभी तीन चार लेक्चर और होगा वेक्टर कैलकुलस, और इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे जो गेट के वो ये जो वीडियो सीरीज है इसमें। ओके, तो ये जो डाइवर्जेंस और कर्व
मीन्स अभी तक टोटल 5 लेक्चर में जो बेसिक बेसिक बातें थी, जो हमारा डाइवर्जेंस है, कर्ल है, ग्रेडियंट है, जो हमारी आर्क लेंथ है कोई भी कर्व की इन स्पेस में कैसे फाइंड करते हैं, वो बेसिक बातें विथ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन की। ओके, तो इतना रखते हैं।